हाय गाइस, हाँ सर, फोटो एडिटिंग एंड फोटोशूट बहुत हो गया है, तो आज बात करते हैं वीडियो एडिटिंग के ऊपर। अगर आप इंस्टा रील्स बनाते हो या यूट्यूब पर वीडियो बनाते हो या ब्लॉग थोड़ा बहुत बना लेते हो, नहीं तो आप बाइक चलाने टाइम कुछ वीडियो तो मजे के लिए बना ही लेते हो, और उसमें जो मेन हमारा जो जरूरत पड़ता है वो होता है लाइट एडजस्ट एंड स्टेबलाइजिंग। ये दो पॉइंट अगर आपने समझ लिया, अगर आप कर लिया, तो आपका वीडियो नेक्स्ट लेवल होगा। तो आज इस वीडियो में ये दो पॉइंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो ज्यादा कुछ बात ना करते, डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। होता है लाइट एडजस्ट। अगर आप लाइट एडजस्ट करते हो तो आपके वीडियो में एक जान आ जाती है, क्योंकि हम जो नॉर्मल वीडियो करते हैं उसमें कभी हाईलाइट ज्यादा हो जाता है, कभी कंट्रास्ट कम हो जाता है या ज्यादा हो जाता है, इस टाइप की होता है, ये हमें ठीक करना पड़ता है। और जो वीडियो में कट कुट करना, लास्ट में कट करना, बीच में कट करना, कुछ ये सब करना, ये सबको होता है। तो लाइट एडजस्ट करने के लिए आपको ये सब एप्स के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये जितने भी आपको एप्स दिख रहा है जैसे क्लोर, जैसे VN, ये सब में क्लैरिटी की बात करो तो आपको 4K तक होगा, लेकिन बकवास, मैं खुद यूज किया, इसमें जो क्लैरिटी पॉइंट है ये बहुत ज्यादा रहता है, हाई क्वालिटी 2K 4K, लेकिन नहीं होता, एकदम बकवास है ये सब एप्स। अगर आप करना चाहते हो, आपके फोन में एप्स है, आपको शायद पता होगा या नहीं, होगा तो बहुत बढ़िया, क्योंकि गूगल फोटोज तो आपके फोन में होगा, तो उसको ऑन कर लेना है। तो गूगल फोटोज ऑन करने के बाद आपका इस टाइप की इंटरफेस आएगा। आने के बाद आपको लास्ट में राइट साइड में जो आपको दिख रहा है लाइब्रेरी, तो लाइब्रेरी पर आपको क्लिक करना है। जब आप लाइब्रेरी पर क्लिक करोगे तो आपका जो फाइल आएगा, उस आप कौन सी फाइल पर आपका वीडियो है वो डायरेक्ट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपका वीडियो सिलेक्ट कर लेना है। ये वीडियो जो है, ये कुछ दिन पहले मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था, और इसका जो क्लैरिटी था एकदम जहर, क्योंकि मेरा जो पहले भी मैंने रील्स बनाया, आप देख सकते हो, उसमें क्लैरिटी एकदम खराब है। अगर मेरे इंस्टाग्राम पर आपने फॉलो करके रखे हो तो आपको पता होगा मेरा पहले वाला रील्स, और आप अभी जो मैं रील्स पोस्ट कर रहा हूं, इसमें क्लैरिटी की डिफरेंस। तो ये जो वीडियो देख सकते हो, इसमें आपको बीच में दिखेगा एडिटिंग, तो एडिटिंग पर आपको क्लिक करना है। जब आप एडिटिंग पे क्लिक करोगे तो आपको इस टाइप की इंटरफेस आ जाएगा, और इस साइड आप देखोगे तो इसमें आपको एडजस्ट दिखाई देगा। एडजस्ट पर जाने के बाद, पहले ये वीडियो मैं सीधा कर लेता हूँ, सीधा करने के बाद एडजस्ट पर जाने के बाद ये वीडियो जो है इसको प्ले करना है। इस तरह से करने के बाद ऐसी जगह पर आपको स्टॉप करना है जिस जगह आपका फेस एकदम क्लैरिटी देखे, सेम फोटो की जैसा। तो मैं एक जगह स्टॉप कर लेता हूँ, तो आपको इस तरह से स्टॉप कर लेना है एक ऐसी जगह पर जिस जगह आपका फेस एकदम क्लैरिटी दिखे। तो देखने के बाद अभी जो वीडियो में कमी है वो ठीक करूंगा। पहले जाऊंगा ब्राइटनेस पर, और ब्राइटनेस पर जाने के बाद मैं ब्राइटनेस को थोड़ा इंक्रीज करूंगा। आप देख सकते हो 24, मैं ये नहीं कर रहा हूँ मैं 24 कर रहा हूँ मतलब आप भी 24 करो, नहीं, आपके वीडियो में ब्राइटनेस ज़्यादा भी हो सकता है तो आप कम करो। तो मेरे वीडियो में जो ब्राइटनेस है वो बहुत कम है, क्योंकि मैं एकदम अंधेरे होने के टाइम ये वीडियो किया। अभी जाऊंगा कंट्रास्ट पर, क्योंकि मैं जो ब्राइटनेस है वो ज़्यादा किया तो कंट्रास्ट ऑटोमेटिकली माइनस हो गया, तो इसमें प्लस करेंगे इस तरह से। तो प्लस करने पर कंट्रास्ट देख सकते हो साइड में आ रहा है। तो अभी जाऊंगा व्हाइट पॉइंट, व्हाइट पॉइंट भी सेम ब्राइटनेस ज़्यादा होगा इस तरह से, तो व्हाइट पॉइंट को ज़्यादा करूंगा, क्योंकि व्हाइट पॉइंट इसलिए मैंने ज़्यादा किया क्योंकि हाईलाइट में कम कर सकता हूँ, हाईलाइट कम करूंगा तो व्हाइट पॉइंट भी जाएगा और बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। एक बार आपको बिफोर आफ्टर दिखाता हूँ, अब बिफोर आफ्टर देख सकते हो बहुत ही ज़बरदस्त है। अभी शेडो पर जाऊंगा और शेडो को थोड़ा मैनेज करूंगा। मैनेज करने के बाद ब्लैक पॉइंट थोड़ा मैनेज, सेचुरेशन को थोड़ा हाई करूंगा क्योंकि मेरा जो फेस टोन है वो ख़राब हो चुका है, एकदम काले पड़ गया। और ऑर्म को करेंगे थोड़ा प्लस, जब ऑर्म को प्लस करेंगे तो वीडियो में जान आ जाएगा, आप देख सकते हो। अभी टिन है, टिन को आप कर सकते हो क्या, टिन से आप फेस टोन या कलर ग्रेडिंग टाइप उस तरह से कर सकते हो, और स्किन टोन ये सबसे स्किन सेचुरेशन की तरह ही होता है, और ब्लू टोन तो आपको पता ही है, ये सबसे आप टोन डाल सकते हो, और इधर जो है बिगनेट। तो अभी देख सकते हो वीडियो, आपको एक बार बिफोर आफ्टर दिखाई देता हूँ, बिफोर आफ्टर देख सकते हो बहुत ही गंदी सील पहले थी, अभी देख सकते हो वीडियो में एक जान आ गया। तो इस तरह से, और इसमें क्लैरिटी के बारे में बात करें तो इसको इस तरह से डन करना है, और इधर आपको दिख रहा है सेफ कॉपी, क्योंकि सेफ कॉपी इसलिए है अगर आपके वीडियो 4K है तो 4K ही सेव होगा, अगर आपके वीडियो 2K है तो 2K सेव होगा, मतलब थोड़ा क्लैरिटी ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम नहीं होगा, आपका जिस हिसाब की वीडियो है उसी हिसाब से सेव होगा। तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्लैरिटी खराब होगा, कभी भी नहीं। और इसमें एक ही पॉइंट है जो माइनस पॉइंट है, वो है बाकी आप काम नहीं कर सकते, आप बस ये कर सकते हो वीडियो पर जाकर लास्ट साइड और फर्स्ट साइड आप कट कर सकते हो, इसमें कट नहीं कर सकते। तो करना क्या है, आपको इसमें लाइट एडजस्ट करना है, करने के बाद जो आपका फिल्म हो रहा है काइन मास्टर है उसमें आप साइड कट कर सकते हो, बीच में कट कर सकते हो, कुछ इफेक्ट डाल सकते हो उसमें, क्योंकि उसमें क्लैरिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होता, आप इस टाइप से सेव कर सकते हो, नहीं तो आप 4K में सेव कर सकते हो अगर आपके स्टोरेज ज़्यादा खाली है। स्टेबलाइजिंग क्या होता है, अगर आप कुछ वीडियो कर रहे हो या बाइक पर बैठकर वीडियो कर रहे हो और एक बाइक पर बैठ के वीडियो शूट कर रहे हो, तो आपका जो वीडियो होगा वो इस तरह से जम करेगा, जिस तरह से इस तरह से जम करेगा,
हाँ इस तरह से जम करेगा। नहीं आप कुछ आप सिनेमेटिक शॉट ले रहे हो उसमें भी आपका वीडियो थोड़ा वाइब्रेट हो जाता है, आपका हैंड आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास गिम्बल नहीं है, हम हैंड से शूट करते हैं, जिस वजह से हमारा वीडियो थोड़ा बहुत आगे पीछे हिलता है। तो इसीलिए आप इसमें एकदम इसी से कर सकते हो। को इधर वीडियो में जाना है, आप इधर जो वीडियो ऑप्शन है, वीडियो में जाने के बाद ये जो साइड में आपको दिख रहा है ये है स्टेबलाइजिंग। अगर आप इसमें क्लिक करते हो तो इस तरह से लोडिंग होगा। और जो स्टेबलाइजिंग जो ऑप्शन है, आपको एक भी ऐप्स पर नहीं मिलेगा, प्ले स्टोर पर जितने भी ऐप्स है स्टेबलाइजिंग ऑप्शन नहीं मिलेगा, और शायद यूट्यूब पर भी आपको वीडियो भी नहीं मिलेगा। अब इससे आपका ब्लॉग्स रील्स, अगर आपका कोई वीडियो शूट कर रहे होगा उसका जो हैंड है वो ज़्यादा हिलता है, तो इसके लिए आपके लिए बेस्ट है। तो स्टेबलाइजिंग हो रहा है, फिर भी एक बार करने के बाद भी अगर थोड़ा बहुत होता है तो आप दो बार कर लेना। तो ये थी वीडियो एडिटिंग के ऊपर कुछ टिप्स जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना सही है, क्योंकि आप भी कुछ बेहतर करो। तो गाइस अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर देना। तो मिलते हैं ऐसे ही और एक वीडियो में। लव यू गाइस।